तो इना तरफ देख ले बरसात न पूरा हमारे घर का तरफ पुस्त हो जुड़िया इना तरफ पोल। तीन और अप्रैल से तब से मैं यही बोलती थी कि मुझे आशु से मिलना है, आशु से मिलना है, आशु से मिलना है। रंग मंगाना बसंता दोत रंगान आपूनी सासु रंगान चादारी नमकीन भरा हुआ। और ये यूट्यूब की वजह से मैंने लिया, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली। जय बद्री विशाल आशु फन टीवी के नई ब्लॉग हम सब स्वागत चाह सकर छो। सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला। तब मैं ब्याल पहुंच गया छा पर गांव पंचली माता श्री आ जानी छे। तब जरा हम घर से पैकन पर लगे चाहिए मी और उन्हा तरफ जो हमारे लाड बैचे नु लगे छे ना। और बाकी थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा के बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया बरसात वजह से। किले के लगातार चार पाँच या छः दिन तक लगातार बरखा लगी रही। इना तरफ हमारे एक पानी टंकी छा बड़ी पहलक तो हम भी गोल मुरियो च। और ना तरफ हमारे लाट बैच निकलना चाहिए और गोल तो दिखाऊँ मैं आपते ए हे। तो ना तरफ देख लिया ये पानी टंकी पुट की ना तरफ टंकी च और ये पूरा गोल यह मर गया। ये तो अभी हम खड्डा खन ला बैच बना चाहिए ना तरफ खड्डा खन ला हम डबे दे लो जहाँ से बदबू वगैरह नहीं आती। तो ना तरफ देख लिया अभी मतलब घर में नहीं होने से मतलब गोटे हम घास वगैरह जम गया पूरा। और ना तरफ देख लिया ये पूरा ताल चल गया बरसात का चक्रम देख लेना तरफ ये पूरा पुस्त निकल गया। और इन तरफ और भी बह रही बोल तो इन तरफ लोग भी चांस इनके क्या पता कुछ बरखा और बेले तो ऊपर निकल जाल। तो ये तो पूरा मतलब पहले बटे बह रही चाहिए और पता लगना नहीं चाहिए कि ये बरसात हम जालो पर बरसात हम पूरा ही निकल गया। तो इन तरफ देख लिया बरसात ने पूरा हमारे घर का तरफ पुस्त हो जुड़ गया इन तरफ पुल। और ये एन जो दीवार रखी जा वहाँ भी टूट गई और इन तरफ पुल पूरा पुस्त भी बह रही है। तो इना तरफ देख लिया कितना गैप हुई गुठार बटे इन तरफ पुस्त रखी चाहिए दीवाल में तो इतना सारा गैप हुई है। और ये दीवाल भी पूरी टेढ़ी हुई है इना तरफ। और ऐतर तरफ आप थोड़ी दिखा लो तो भी देख लिया मलन तरह ढलकी हुई मतलब तो कुछ पता नहीं चे वो भी कना कब टूट। तो फिर अभी आ गया मैं इना तरफ पानी में। और एक हम चाह मरना बोलो तो एक बटे मतलब प्राकृतिक स्रोत ची बिल्कुल एक बटे बिल्कुल जड़ी बूटी रास्ता पानी आंदो तो पीना पानी हम यूज करता। बाकी घर में जो नलखा वगैरह वो आंद तो मतलब नेण दुण और गाय बच्चियों को ना वो रहें पानी। मैं दिखाऊँ चाह आपते कि एक कितना मिठू पानी और कितना अच्छू स्रोत है पानी बिल्कुल नौला पानी बोलता हम ये को ना। तो मतलब बारह मास ये पानी यूज करता हम लोग। तो इना तरफ च स्रोत पानी ची तो ये को ना मर सुरकित रखी ची नाम इना तरफ देख लिया बिल्कुल जड़ी बूटी रास्ता आंदो बूंद बूंद करके भरे जांदो। और एक पानी हो जो मतलब मलक वाला हम तीन चार मौस आओ तो ये पानी लादा। बाकी ताल च पल्ले पानी तो वक्त नल वगैरह लगी वो भी स्रोत पानी च। बाकी उन्हें तरफ फलना पानी लिस्टा पानी तो गाँव चेहरे तरफ प्राकृतिक स्रोत छ मतलब। तो इना तरफ बोलिया मैंने एक गागर और एक डोल च। और एक बटे 500-600 मीटर दूर होला हमारा घर। तो फिर अब लेकर चलो चौमी पानी। डब्बो जी किस चीज की सर्विस हो रही है? ये माल्टे की जूस की भैया। तो अभी पहुंच गया हम पानी लेकिन ताल और एक माल्ट जूस डब्बो डॉन बनो जी बिल्कुल सही है बिल्कुल प्योर जी की एकदम प्योर है पक्का और क्या। तो आप जरा हम टेस्ट करना चाहो कांच गिलास में तो ज्यादा बढ़िया उन डब्बो कोई बात नहीं स्टील गिलास में पींदो चाहो माल्ट जूस स्वाद है भाई ये सही है ना यो केमिकल ओल नहीं चिन्ना तो पीले। अरे बहुत ज्यादा। तो अभी शाम का टाइम हो गया यार हम पहुंच गया मथी हमारे दादी और घर। दादी अभी हमको नमकीन प्याज और नीम वगैरह कटे होने बढ़िया फर्स्ट क्लास के है ना। थोड़ा हमको यहाँ में वो बनो बिल्कुल चाट बननी चाहिए तीन तरफ बननी चाहिए चाट फर्स्ट क्लास हाँ बननी चाहिए। अरे ना तरफ देख लिया पंचल गाँव लाल प्याले इना तरफ हाँ पिछली लोन ना दादी ये भाई बा 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 डालो 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 थोड़ा डालो खाओ पियो ऐश करो ऐश करो ऐश करो। जिंदगी कोई भरोसा नहीं है एक दिन आने का है एक दिन जाने का है। सही बात है तो बेटा ये नहीं ऊंचा हम तो नार सवा भुगना को ना यहाँ सवा क्या गाल ये तो इना तरफ देख लिया दादी हमेशा कुछ ना कुछ रखी ना नमकुना ये बात बढ़ने चाहिए दादी बाल में कुछ नमकीन खाना जी बड़ा बड़ा आंदा मतलब जी पापा लोग कहाँ था बड़ बड़ा दो सौ नमकीन बना सही बात बच्चा लोग छे ना मैं कौन दो सौ नमकीन बनी कौन दो सौ नमकीन। अरे एक बटे गांव भी बढ़िया दिखे ना दर एक बटे पूरा रेख देखे कने रेंद पंचल गांव में देखे पास यार तेर माँ मैं बहुत तेर माँ आया सब बोल के ले गया सिया बोरी का पर हो रहा
कान होना डबल स्वाद बढ़िया हाँ सैल डॉन चचा की क्या प्रणाम अभी तो फर्स्ट क्लास हम दिल्ली वेज चाट खाया दादी ने घर में और आप खाना चाहे आड़ू और दादी के नाते आड़ू भी लगे चिन्ह फूल भी लगे चिन्ह नाते पपीता बिच और क्या फल फ्रूट लगे दादी बेटा अभी तो पहले तो कुछ नहीं चाहिएगा पर आप बैठ हो रहे हैं तो अमरूद लगे आछे ना अभी खान ले नहीं छे ना छोटा छोटा छे ना अभी दिखे भी ले दाल अभी देख दे पापे तो देख ले जरा देखिन मैं पापे दा दाना नहीं देखिन देना पारो ना दाना में लगे आछे दाना इतने लगे आछे अब ले जान पुना जन दादी आप बटे मैं माकन बोले ना पापे दा कहन बल लीजा बीज भी दाना ता लीजा न पके ले जाने कच्चे ने हां पक जाओ अरे वाह दादी बिल्कुल दादी रहने दो तो लोगों ने बोलो ना दादी बटे पपी तो ले गया ही तो सब दादी पक्या हां हम ये गोयर दे दी अच्छा गोयर है जमा तो दे दी ना हां ये पपी तो छे अंगूर डाल छे हां अंगूर नहीं लगी नहीं दबे दादी लगी छे दुई चार झुंपी ना तो खाए के चटनी चटनी बनाओ अच्छा ये अमरूद और अमरूद है यहां छे ना हां इना तो अमरूद लगे छे ना पहल फर्स्ट अमरूद छे ऊपर माल्टा दाने ही छे ने पहल फर्स्ट आना छे अच्छा पहली बार आना छे फर्स्ट आना छे ना ये पौधे ना छे हां ये फूल छे सब लगे हैं दादी के ये सब एक बुढ़े आदमी छो लगे रहने भांग भी बुत हूं छे जम गया ही जरा शिव जी में चढ़ाने को नहीं जालो हां सही बात को नहीं फूल छे फूल भी ले जाना देख बड़े सब मंदिर में फूल भी ले जाना सब कुछ छे लोग भी ले जाना देने ना एक बड़े दादी हां लोग कितने ले जाने था जी मांगो छे और अमरूद छे छे खाफी बारी का एकदम लींबू पर लींबू लगे आना फूल भी आना छे लींबू भी लगे छे ना आना छे जाना छे जो आलो इनका जरूर छे ये देख ले नींबू भी लगे छे बढ़िया नींबू लगे छे हां तो मतलब जो भी आंदो थोड़ा थोड़ा ले जाने बड़े सब कुछ ले जान बेचे खान बेचे जब तक ये जिंदगी छे जीना कौन छे हैं हां दादी बाकी दिखे जाली जी वालता जी वालो हां कुछ नहीं ले जान वक तो अभी ना तरफ हमारे प्यारी दादी बिल्कुल अपर फूलों गार्डन में गई और एक बढ़िया से लोक गीत लगे दिया ताकि लोगों ते जरा पर घर बोना क्या दे जाले हाँ बैठ जा दादी आराम से ठीक है पकोड़ी गाथू की सास बुरी ची बातू की बूढ़ी पकोड़ी गाथू की सास बुरी ची बातू की इन्हें दया स्वामी जी कैन पिलाई भांगुलो कैन पिलाई भांगु रंग मंगाना बसंता दो तेरा गाने आपूं रंग मंगाना बसंता दो तेरा गाने आपूनी सासु रंगाने चादारी सासु रंगाने चादर पूड़ी पकोड़ी गाथू की सास बुरी ची बाथू की ये निर दया स्वामी जी कन पिलाई बांगुलो घर बमाई भोजना बण बमाई छोरियो ना ये निर दया स्वामी जी कन पिलाई बांगुलो धन्यवाद दादी के मतलब छा दादी आंका परेशान छा ना वा तब कुछ खर्च पर्च पहल रुपए पैसे का रे छान पानी तो 6 महीना में साल दुई कै साल में वो घर अच्छा कै साल में छा वो घर तो ई बाल बोली भूल गया अच्छा ककान छा घर तब रंग मंगा बन बन चादर तो मैं सास हुआ रंग जमण फूलन हां जमण वे हरा पर रंग आनवर में धोती तब तो मैं पहन छे तो खान के आज बोली कान भूल गई बोली काम था अमन खान के हाथ से बोली या मतलब ये अच्छा साज बोली बतम लगी छा हमर गौर कोई कानून नहीं छ तो ये बात है कि पहला लोग ये नन छ बहुत खैर छ हां खैर खाई कोई फौज भी नहीं जाके कोई फौज के भाई हम दिन भी नहीं जाने सही बात छ ना दिल्ली ये पल खाला का जोरो ये मेल खाला का जोरो ये जोरो मिना दिल्ली जाना कबो आलो हिंदो मंगशीरा को मैना ये जोरो मिना दिल्ली जाना क्वादू झांगोर मिने छोड़ी जाना होटल की रोटी खाना मिना दिल्ली जाना खदरा की धोती मिन छोड़ी जाना फैनी धोती पहना मिन दिल्ली जाना पादु झांगोरु मिन छोड़ी जाना पतेली को भाते खाना
मैं ना दिल्ली जाना ये जोरो कब आलो मंग सिरा को मैं ना दिल्ली जाना। देखिए यहाँ पढ़िया लोग नहीं छाए। अच्छा सब तब पूछो छाओ कब आल मंग सर मैंने कजे दगड़ जान फूल से ना सब में बोल मैंने जय सकोलो तो मैं आज फूल मंदिर में चल जाला। सही बात है। तो अभी हम मत है रोड में अभी दादी दगड़ मिला मैंने आप तो कुछ देर पहले और अभी ना तरफ आएगी मेरे व्यूवर्स तो आप लोग हैं अच्छा पौड़ी बटे ना श्रीनगर बटे तो अभी मैं नानी दगड़ भी बात करी देख मम्मी जी तगड़ जो मेरे मतलब बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं बिल्कुल बहुत इंग्लैंड और अभी भैजिन जो लोकल दुकानदार छन बने बटे अभी नमकीन भी खरीदे है लोकल भरा हुआ नमकीन भरा हुआ और ये यूट्यूब की वजह से मैंने लिया मेरे को पता नहीं था एक्चुअली बनेक में आशु जी की वजह से मैंने बनेक ना सुना था अच्छा। और नमकीन मैंने वहाँ से इसे लिया कि मैं जो यूट्यूबर हैं उन्होंने डाला था भाई वो नमकीन की दुकान कौन सी है बोलो भाई साहब यही है फिर मैंने वो नमकीन अच्छा श्रीनगर पौड़ी पहुँच गया। एक बार आप थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया थे कि आप मतलब पौड़ी क्या गाँव से लोअर चोपड़ा अच्छा एडवोकेट हैं अच्छा संजय थपलियाल हाँ जी और दीदी ये इनकी वाइफ है अच्छा पुष्पा थपलियाल अच्छा आप भी वो हाँ, पौड़ी ये हमारे भतीजा है इनका लड़का इनकी वाइफ अच्छा मेरी पोती है अच्छा अच्छा आप पौड़ी से अरे वाह मैं रमेश चंद्र थपलियाल एक्स बीएसएफ अच्छा इनका बड़ा भाई अच्छा ना बड़े अच्छा बहुत अच्छा लगे आप लोगों तक मिलेगा ना भाई आपसे मिलकर मेरे को बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं बहुत समय से तुम्हारा यूट्यूब उजाड़ी 3 अप्रैल से तब से मैं यही बोलती थी कि मुझे आशु से मिलना है आशु से मिलना है। तुम तो खुशी हुए होली हम तो ज्यादा खुशी हुए बहुत अच्छी बात बहुत अच्छा लगा सबसे अच्छी बात आप आगे लगन दे कि आप घर वाले बहुत अच्छी बात है और मेरे बॉर्न एंड बॉर्डर सब दिल्ली बटी छे अच्छा हम अपनी भाषा कभी नहीं छोड़ी हम मुंबई घूमी है गया 2020 में आया 25 साल बाद लौटे हम अच्छा और अब यहाँ शिफ्ट हो गया अपन उजियाड़ी गाँव तमलाग गुमाई और हमारा जो लोअर चोपड़ा का तो कोलकंडी और दंगल गाँव पूरा दिखाया तुम जो जो ना नेताओं का गांव भी दिखे नहीं था पौड़ी का बहुत सारा नेता नेता छन की जो पौड़ी को काया पलट कर सकते हाँ पर अभी तो बुरी सिचुएशन गड़बड़ी में मजाक में हूँ की सही बात है थोड़ा हंसी मजाक तक एक मैसेज भी निकल जाना तो मेन मोटिव वही बहुत अच्छा है ये हमारा मुख्यमंत्री साहब तो तब बहुत बुरी हाल है ये वो अपनी बोली अपनी भाषा तुम बेटा पकड़ पकड़े जाना छोड़ी तुम सबसे बड़ी बात है और हम भी अपना आपका गाँव की लोकेशन भी भाई साहब बहुत शानदार धन्यवाद वेरी नाइस लोकेशन हाँ जी आई एम वेरी ग्लैड टू सी बहुत बहुत धन्यवाद बाकी यकम ना अभी 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर दिन मत दादाजी लोग झंडा फहरा जान बहुत अच्छी तो अभी बरसात देश के प्रति समर्पित की भावना होनी चाहिए जब भी होला हमारे इनविटेशन चाहिए आपने लोअर चोपड़ा में वकील साहब के घर जरूर जाना है संजय कुमार थपलियाल एडवोकेट 80 साल पुराना घर चौंग बोले प्रॉपर ना हमारे फादर तहसीलदार थे अच्छा तहसीलदार थे अच्छा उनका बनाया हुआ है 4 भाई है एक हमारा भाई बीडीओ थे एक भाई बिल्डर है में एक मैं हूँ एक्स बीएसएफ एक एडवोकेट ये बम्बई हाई कोर्ट में थे पहले अच्छा तब आप पौड़ी में ना बढ़िया करके आप यहाँ शिफ्ट हो गया था सबसे ना अपन मातृभूमि सबसे बेस्ट है चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी लगी आप लोगों ने अब जल्दी चुपड़ा में मिलाकर आना धन्यवाद आपको धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर आएगी हम पूरे दाल बटे ताल गौरे के छाई पूजा पाठ करके ना अब हम पूरा पंचल जो हमारे टीम छे ऑफिशियल आज फन टीवी टीम तो पहुंच गया ताल और आज हम सब लोग दगड़ी खाना चाहे डिनर हमारे लिए मैगी वगैरह और रोटी वगैरह परांठा वगैरह चाहे मतलब सैलोर घर में बढ़िया तू ले गया हम तो पुराने दारों में बढ़िया मजा आएगा चाहे दिन खूब हमते नमकीन वगैरह खिलाया चाहे बेल बढ़ेगा ना वो बाद हमारे सब्सक्राइबर मिल गया चाहिए और अभी मैं बताऊँ चाहूँ हम कि खाना चाहे डिनर दगड़ी मतलब डिनर करेगा ना सही रहें दगड़ी में हम बैठा रहता ताकि एक यूनिटी बढ़ी रही और एक बढ़िया से पॉजिटिव इन्वायरमेंट बढ़ी रहे तीन तरफ मैगी बटेनी चाहे आज सेप्चन हमारे डब्बू बड़ू भाई बब्बू सेठ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक चाहिए मतलब कुछ और ड्रिंक तो नहीं रहे अरे आधा घंटा बाद पता चला भाई एक मच्छर वगैरह आने पाएगी ना बढ़िया बढ़िया जो सैलून जो पास है कि फेल भाई पास है
फिर अब ये ब्लॉग तक मैं खत्म करता हूं, चाहे मिलता चाहे आप लोगों तक ब्लॉग में। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिया। तब तक मिलता चाहे आप लोगों तक ब्लॉग में, फिर कर ला हम लोग एंजॉयमेंट। अब तो तगड़ी तगड़ी वीडियो आएंगी है ना। अब हम कह दिन माचा मनो कुंड बिजोला है ना, सब कुछ ठीक रहा तो फिर तब तक हम खाने पकानो चाहिए। तब तक जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।